2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है और वैसे में इंडिया के जो गठबंधन के जितने भी नेता है वह लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जो है यहाँ राजभवन मार्च इस वक्त निकाला गया है। आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और तमाम जितनी पार्टियां हैं, CPI हो या लेफ्ट की जितनी पार्टियां हैं, वह तमाम जो है सभी नेता यहां पर राजभवन पहुंचे हैं और यहां राज्यपाल को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे कि जिस तरीके से ED और CBI का जो है दुरुपयोग इंडिया गठबंधन द्वारा बार बार कहा जा रहा है किया जा रहा है और जिस तरीके से कुछ दिन पहले जो है पत्रकारों के न्यूज़ क्लिक के जो दफ्तर में छापेमारी हुई, उन तमाम चीज़ों को लेकर जो है इंडिया गठबंधन सड़कों पर उतर कर अपनी मांगों को आज राज्यपाल के समक्ष पेश करेंगे, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। इस मौके पर क्या कुछ कहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो जिला अध्यक्ष मुश्ताक आलम और पूर्व सांसद भुवनेश्वर मेहता, उन्होंने क्या कुछ कहा है या कुछ देखिए। ये अभी पत्रकारों पर जो हमला हुआ है, जो गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और ये लगातार इस तरह की जो घटनाएं घट रही है केवल पत्रकारों पर अभी शुरू किया है। अरे पत्रकार तो स्वतंत्र है, जो वाजिब बात है वो लिखता है। अब तो सबकी आज़ादी खत्म कर दो, देश के राजनीतिक नेताओं पर जहाँ जहाँ भी टिका उनके, जहाँ पर BJP की सरकार ने उसके मुख्यमंत्री हों दूसरे हो, उन पर CBI और ED का चल रहा है मामला। अभी आप देखा होगा कि मनीष सिसोदिया को 5 महीने से जेल में है, क्या इल्जाम है, हेरा फेरी किया सर आप, और उसका कोई प्रूफ नहीं है। अभी जस्ट संजय सिंह को जो आपके सांसद हैं उनको बंद कर दिया, कल वो हो सकता है केजरीवाल को भी बंद करेंगे। अभी झारखंड के CM जो है हेमंत सोरेन, उन पर भी तलवार लटक रही है, 5 बार नोटिस किया, अभी हाईकोर्ट में मामला लंबित है, 11 तारीख को डेट है, लेकिन उन पर भी लगा हुआ। किसी न किसी तरह से परेशान करो, जितने भी विपक्ष के नेता हैं उनको परेशान करो और उनको जेल में, ताकि 2024 का चुनाव ये फिर से जीत जाए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान की जनता जाग गई है, हिंदुस्तान के मेहनत करने वाले लोग जागे, 2024 में इनकी चलती दोबारा फिर आने वाले नहीं है, इनको झारखंड की जनता उखाड़ करके फेंकेगी और देश के संविधान को, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हम तमाम लोग एकजुट हैं। भारतीय जनता पार्टी की निरंकुश सरकार जो है वो इतनी ज़्यादा निरंकुश हो गई है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जिसको देश की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने वाला माना जाता है, उस पर भी अब हमला करना शुरू कर दिया है। आपने देखा होगा पिछले दिनों न्यूज लिंक के बहुत सारे, न्यूज क्लिक के बहुत सारे पत्रकार साथी जिनको अरेस्ट किया गया, जेल भेजा गया, और ये उनका तानाशाही रवैया ऐसा है कि जो भी इनके खिलाफ में मुंह खोलेगा उसको आईना दिखाने की कोशिश करेगा, उसको अंदर करना है, जेल में भेजना है और डरा करके रखना है और इतना डरा देना है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में ये लोग कहीं नज़र नहीं आए और हम जिस तरह से खेल करके सरकार बनाते हैं उस तरह से हमको निरंकुश छोड़ दिया जाए। तो ऐसी चीज़ों का इंडिया गठबंधन जो है वो पुरजोर विरोध करती है और उसी के फलस्वरूप आज हम लोगों का विरोध मार्च है। आप देखेंगे कि चाहे वो पत्रकार बंधु हो या राजनेता हो, चाहे जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहां पर राजनेताओं को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। आप देख लीजिए, चाहे वो झारखंड का माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हो या आपके दिल्ली के आप पार्टी के तमाम मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रीगण हो या उनके वरिष्ठ नेतागण हो, पश्चिम बंगाल में आप देख लीजिए या छत्तीसगढ़ में देखिए, इस तरह का रवैया इनका लगातार जारी है और जो सरकारी संस्थान है जिनका ये दुरुपयोग कर रही है देश के 29 राज्यों में नहीं बल्कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहाँ पर इनका खेला बेला चल रहा है और ऑफिस यहाँ पर खोल के लोग बैठ गए हैं और अपने आका के इशारे पर यहाँ पर प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, जिसका इंडिया गठबंधन के द्वारा हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं और आज इस विरोध मार्च के द्वारा महामहिम राज्यपाल के समक्ष माननीय राष्ट्रपति महोदया को ज्ञापन सौंप रहे हैं कि इस तरह की निरंकुश सरकार पर अंकुश लगाए। लाइव लगातार के नाचिस में कौशल कुमार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।